श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे 236वां भाग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया। भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपने उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं। थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माज कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भई सांझ। चाही गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुच राम फिर अवनि बिलोकी शील सराहे सभा सब सोची कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। सुजान राम रुख देखी उठी स प्रेम धरि धीर बिसेखी करि दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी मोहि लगी सहे उस बहि संतापू बहुत भात पाय जन देख दीन दयाल सो सिख दे अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। पुर जन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राउर बदी भल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बादी परम पदलाहु
सुजसु धर्म परमारथ पितु आयसु पाली दुभाई लोक वेद भल भूप भलाई गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले अस बिचारी सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरी जाई कोसु परिजन परिवारु गुरपद रजही लाग छरु भारु तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले भूमि प्रजा रजधानी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति।